खबर शामिल करते हैं खिप्रो से हमारे नुमाइंदा उबैदुल्ला खान की। यकम मुहर्रम अल हराम के हवाले से आज खिप्रो में मरकजी पंचतनी इमाम बारगाह में मजलिस सजाई गई। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए और SOPs का भी ख्याल किया गया। लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजलिस का खिताब प्रोफेसर गुलजार अहमद जाफरी ने किया और शफकत हुसैन वाइस चेयरमैन अंजुमन हैदरी ने बताया सिक्योरिटी फोर्सेज के सख्त इंतजाम हैं, SOPs का ख्याल रखा जा रहा है और आखिर में ENN के नुमाइंदे से बात की मौलाना गुलजार अहमद जाफरी ने और वाइस चेयरमैन शफकत हुसैन हैदरी ने। तू अलियो वलियो वसी ही रहा, तू अली बुलाने के लिए काफी कोशिशें जारी हो सारी हैं, फलां की शहादत, मगर ये गदीर जब तक हुसैनियत दुनिया में जिंदा है गदीर जिंदा रहेगी, जब तक हुसैनियत दुनिया में जिंदा है गदीर जिंदा रहेगी। ने कहा दस्तूर है मौसिन, कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते। बिना किसी देर के मुल्तमिस हूँ मेरे ब्रादर मौला के बेहतरीन अल्लाह के पाक रसूल फरमाते हैं कि बेशक हुसैन चराग हिदायत और कश्ती निजात। आज यकम मुहर्रम अल हराम है और आज़ादारी से ये दुशहदा के अयाम शुरू हो चुके हैं। नवासे फरजंद रसूल ने आज से 1400 साल पहले ऐसी कुर्बानी दी कि यजीदियत और नमरूदियत को ख़त्म करके रख दिया। ये करबला जो है वो हक़ बातिल का जो है वो आगाज़ नहीं था, बल्कि ये अज़ल से लेके अब तक मारका जारी है और जारी रहेगा। हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हक़ को पहचाने, बातिल को पहचाने, हुसैन को पहचाने और यजीद को भी पहचाने। हुसैनियत के क्या उसूल हैं, यजीदियत के क्या उसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के मुसलमान जानते हैं, अहले बैत के मानने वाले जानते हैं कि हर साल मुहर्रम अल हराम किस जिस अकीदत व एहतराम के साथ मना, ताकि कल हम रसूल कायनात के सामने शर्मिंदा ना हों, बल्कि हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो कि या रसूलल्लाह हमने तेरे नवासे के पुरसे का अहतमाम किया, आज़ादारी का अहतमाम किया। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिक्योरिटी जहाँ सुा इंतजाम पुलिस रेंजर्स वगैरह सिक्योरिटी छोकरा भी ड्यूटी तो अंजाम दई रहा है। SOPs जो खास ख्याल रखे हुए हैं, मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह अस यूज कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह कद के हर साल वागू इन साल भी मुहर्रम अल हराम जो अशरो जो है वो अमन अमान से गुजरी।